पानी की समस्या और जो महानगर पालिका के जो मैदान है उस मैदान में, आज हमारे मैदान मेरे वार्ड में एक ही मैदान था, वो मैदान की इतनी बेकार कंडीशन थी। आज लेकिन वो मैदान में आप जाएंगे तो मैदान में लाइट है, बाजू में ट्रैक है, बैठने के लिए जगह बनाया है और उधर झाड़ लगवाने, झाड़ ये साल से हम झाड़ भी लगाएंगे। और शांताराम तलाव पे जो ब्रिज हो रहा है वो शांताराम तलाव कम से कम 10-12-11 महीने से वो संतराम तलाव पे 9 एक्सीडेंट हो गए, 9 एक्सीडेंट में कम से कम 9 जन जागे पे ऑन द स्पॉट जागे पे मरे हैं। और मैं वहाँ पे आदरणीय आर आर पाटिल के माध्यम से वहाँ के ब्रिज बांधने का तत्काल जो अर्जेंटली ब्रिज बांधने का काम मैंने किया है, अभी वो कम से कम 70% हो गए, बाकी वो आगे आने वाले एक महीने में काम पूरा हो जाएगा। जो ब्रिज के अगर जो ब्रिज है वो अभी हाईवे क्रॉस कर देना, वो ब्रिज के ऊपर से लोग जाएंगे और अभी एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो अभी नहीं होगा और उसमें से लोगों की जान छुटकारा होगा। जी जी, आप एक सफल नगर सेवक तो हैं और साथ ही साथ आप पी नॉर्थ वार्ड के प्रभाग समिति के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उस कार्यकाल का आपका अनुभव कैसा है? सबसे पहला मैं प्रभाग समिति का जो चेयरमैन बना है, वो चेयरमैन बनने के बाद मैं प्रभाग समिति में हमारे 16 वार्ड आते थे और 16 वार्ड आने के बाद मुझे हर वार्ड में मुझे काम करने के लिए मौका मिला है। मैं खुशी की बात है कि मैं 16 वार्ड में प्रभाग समिति चेयरमैन बना तभी मैं 16 के 16 वार्ड में मैंने काम किया है और 16 के 16 वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक ध्यान में आया कि सबसे ज़्यादा लोगों की जो समस्या है वो पानी की समस्या है। मैं मेरे वार्ड के एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बोरवेल पास करके कम से कम 7 बोरवेल में मेरे एक साल के अंदर ये 7 बोरवेल पास करके लोगों की सबसे ज़्यादा पानी की जो समस्या थी वो दूर करने की कोशिश की है। तो चेयरमैन में जो नगर सेवक में एक वार्ड का था लेकिन जब चेयरमैन बना तो मैं 16 नगर सेवक की मैं कमेटी 16 नगर सेवक के मेरे अंदर में काम करते थे और उस दौरान मुझे अच्छा काम करने के लिए मौका मिला और मुझे मैं वापस फिर एक बार मेरी इच्छा है कि मैं एक प्रभाग समिति का चेयरमैन लोगों की सेवा करने के लिए अच्छा सेवा करने के लिए बनना चाहता हूँ। अजीत जी, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहकर राजनीति में एक सम्मानीय स्थान बनाया है, तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देते हैं? मेरे आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता शरदचंद्र जी पवार और मेरे आदरणीय हमारे जो महाराष्ट्र के नेता है आर आर पाटिल, जयंत पाटिल, हमारे दूसरे कामगार के लीडर सचिन भाऊ अहिर मेरे आदरणीय नेता जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वो गुरु सचिन भाऊ अहिर और उसके बाद मेरे वार्ड की पूरी जो जनता है, मेरे परिवार के लोग मिले जो मुझे एक कठिन परिस्थिति में मुझे जो मदद किया है, वो सब मेरे दोस्त और मेरे साथ में रहने वाले सभी परिवार, उनको मैं मेरी सफलता का ज्यादा से ज्यादा श्रेय देना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी को आप राजनीति में आने के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम हम हर आदमी अपना अपने पार्टी का प्रचार करे लेकिन इलेक्शन होने के बाद अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए सभी पार्टी के लोग और सभी जात धर्म के लोग एक साथ रह के अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए, यही सब मैं मेरे लोगों को मैं कहना चाहूँगा। अजीत जी, आप अपने क्षेत्र में काफी सामाजिक कार्य करते हैं, तो उस सामाजिक कार्य के बारे में हमें आप बताएं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरे जो गरीब पुरार विलेज में झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब विद्यार्थी स्टूडेंट है उनको मैं हर साल कम से कम 2,500-3,000 विद्यार्थी जो है उनको मैं बुक मुफ्त बुक देने का काम करता हूँ। हर महीने में कम से कम 500-700 किलो चावल जो गरीब निराधार औरत है उनको जो महिला है उनको देता हूँ। उसके बाद जो ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन का कार्ड है कम से कम महीने में कम से कम 25 ज्येष्ठ नागरिक कार्ड मैं महीने में बांटता हूँ। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य है तो मेरे ऑफिस में मैं करता हूँ। अजीत जी, हमने इस क्षेत्र का सर्वे किया है और हमें पता चला कि आप जनता के बहुत ही प्यारे नेता और जनता आपसे बहुत ही प्यार करती है, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जनता के लिए, तो जनता चाहती है कि आने वाले दिनों में आप MLA के पद के लिए खड़े हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे अगर टिकट दिया तो मैं यहाँ पे जरूर लड़ूंगा और अच्छा सक्सेस भी होगा, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे।
और जनता का प्यार सर आगे। अजीत जी, हमारी इंडिया ब्यूरो टीम की तरफ से आने वाले इलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।